जय हिंद दोस्तों, आपको बता देते हैं कि बिहार में 9 तारीख 5/5/2021 यानी कि आज के दिन से ही आपको 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए टीकाकरण की शुरुआत की जा रही है। दोस्तों आपको ऐसे के पता होगा कि युवा के लिए यानी कि जो भी 18+ लोग हैं उनके लिए आपको ये 1 मई से शुरुआत सभी राज्यों में हो गई थी, लेकिन बिहार में किसी कारणवश ये 1 मई से शुरू नहीं पाई, जिसके कारण ये 9 तारीख से आपको शुरुआत की जा रही है। इसके देखिए नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया, आपको दिखा देते हैं। देखिए CM 262 मुख्यमंत्री कार्यालय जनसंपर्क कोषांग, ठीक है, प्रेस विज्ञापन है 8/5/2021 यानी कल का दिन, कल ही का ये जारी किया गया। लिखा गया है कि मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य में टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा की। मुख्य बिंदु कल से 18 से यानी कल यानी आज 9/5/2021 से 18 से 44 वर्ष के लोगों को टीकाकरण की शुरुआत की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग इसके लिए पूरी तैयारी रखे। पहले से अस्पतालों स्वास्थ्य केंद्रों में जो टीकाकरण किया जा रहा था अब उसकी जगह सभी लोगों का टीकाकरण की व्यवस्था विद्यालय या महाविद्यालय में करें। देखिए आपको जो पहले होता था अस्पताल में या स्वास्थ्य केंद्र में होता था टीकाकरण, अब ये विद्यालय और महाविद्यालय दोनों जगह में होगा आपको, ठीक है। तो स्वास्थ्य विभाग टीके से की उपलब्धियां को लेकर लगातार प्रयासरत रहे और अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण करें। कहने का मतलब है कि अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण करना जरूरी है। टीकाकरण केंद्र का सभी लोग कोविन बिहेवियर का पालन करें, जो भी कोविड का पालन, जब मास्क लगाकर आपको जाना है जहां पर वो टीकाकरण होगा, मास्क लगाकर सैनिटाइजर आपको जो भी होगा आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। पटना 8 मई 2021 यानी कल का है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक आयन मार्ग स्थिति संकल्प में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा बैठक हुई। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव श्री प्रयत्न अमृत ने प्रस्तुति के माध्यम से राज्य में टीकाकरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण का अभी दौर चल रहा है, इससे लोगों के बचाव को लेकर सभी जागरूकता कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल से 18 से 44 के लोगों के टीकाकरण की शुरुआत की जा रही है, ठीक है। स्वास्थ्य विभाग इसके लिए पूरी तैयारी रखे। टीकाकरण जो भी आपको बताए थे वो सेम है, ठीक है। मुख्यमंत्री का कहना है कि टीकाकरण वाले स्थल पर शौचालय पेयजल आदि सुविधाएं की समुचित व्यवस्था रखे। केंद्र पर सभी लोग कोविन एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। स्वास्थ्य देखिए, ठीक है दोस्तों, यही छोटा सा नोटिफिकेशन था आपको, आप पढ़ सकते हैं। देखिए इसका जूम हम कर देते हैं, आप आसानी से वीडियो को पॉज करके आप आसानी से देखिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये छोटा सा नोटिस था, ठीक है, थैंक यू।